कहते हैं लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को धोखा देती है जो भविष्य में करोड़पति बनने वाला होता है। भारत के एक चमकता सितारा ईशान किशन की कहानी कुछ ऐसा ही है। किशन के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट खेले, फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ। He's on debut. That's the first ball he's faced. ईशान प्रणव कुमार किशन पांडे का जन्म 18 जुलाई 1998 को नवादा बिहार में हुआ। पिता प्रणव कुमार पांडे का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और माता सुचित्रा सिंह एक हाउसवाइफ है। ईशान के बड़े भाई राज भी क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन राज अपने अंडर 14 ट्रायल के लिए तैयार हो रहे थे। ईशान भी जिद करने लगा कि मुझे भी एक बार ट्रायल करना है। पिता बोले, इतना जिद कर रहा है तो जाने देते हैं। लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि उनका दोनों बेटा क्रिकेट खेले। उन्हें डर था कि क्रिकेट में करियर बन भी पाएगा या नहीं। ट्रायल में 2-3 शॉट खेलने के बाद ही सेलेक्टर को यह पता लग गया था कि यह खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है और ईशान को उन लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ईशान के पिता का कहना था कि कोई एक ही क्रिकेट खेलेगा, इसलिए ईशान के बड़े भाई ने अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर दिया और ईशान को पूरे मन लगाकर क्रिकेट खेलने को कहा। ईशान को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वे पूरे दिन क्लास में क्रिकेट ग्राउंड का चित्र बनाते रहते थे। साथ ही क्लास में लड़कियों के प्रति भी उनका आकर्षण काफी ज्यादा था। वे पढ़ाई के दिनों में एक बार अपने क्लासमेट के साथ प्यार में भी पड़ गए थे और अपने लक्ष्य भटक गए थे। लेकिन वे समय जल्द ही आ गया जब ईशान का ब्रेकअप हुआ। उस समय ईशान पूरी तरह से टूट गए थे। उन्हें मौत जिंदगी से आसान लगने लगी थी। परंतु आज ईशान बताते हैं कि उस समय जो कुछ भी हुआ वह अच्छा ही हुआ। बचपन में जब ईशान क्रिकेट खेलते थे तो वे दूसरे के घरों के कांच तोड़ दिया करते थे, जिससे उनके पेरेंट्स को हमेशा कंप्लेन सुनने को मिलता था। ईशान में तो टैलेंट कूट कूट कर भरा था, लेकिन वह केयरफुली क्रिकेट नहीं खेलते थे। एक दिन ईशान के कोच ने उनके पिता से कहा, आपका बेटा स्पेशल है, इसे सीरियसली क्रिकेट खिलाना चाहिए। इस घटना के बाद ज्यादातर ईशान पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में प्रैक्टिस किया करते थे। डाई मारते विकेट कीपर उन्हें काफी अच्छे लगते थे। सौभाग्य से एक दिन टीम का विकेट कीपर नहीं आया। ईशान एक अच्छे फील्डर में गिने जाते थे। कोच ने उन्हें कीपिंग करने को कहा। उस दिन ईशान ने विकेट कीपिंग करते हुए 2 कैच और 1 स्टंपिंग की। यहीं से ईशान की विकेट कीपिंग जर्नी की शुरुआत हुई। बहुत छोटी सी उम्र में ही अलीगढ़ में खेले गए स्कूल वर्ल्ड कप में वे स्कूल का कैप्टन बने। इनकी स्कूल अटेंडेंस में कंप्रोमाइज नहीं करती थी। पूरे दिन क्रिकेट खेलने की वजह से ईशान का अटेंडेंस रिकॉर्ड काफी खराब था, जिसके वजह से स्कूल ने उन्हें क्रिकेट छोड़ने के लिए कहा। लेकिन ईशान ने अगले दिन ही स्कूल ही छोड़ दी। यह घटना सबको चौंकाने वाला था, लेकिन हुआ वही जो ईशान को मंजूर था और अपना पूरा समय क्रिकेट पर देने लगे। ईशान का मेहनत रंग लाया और वे अंडर 14 टीम में सिलेक्ट हो गए। BCCI से नोक झोंक की वजह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन रद्द हो गया था, तो कोच बड़े भाई और अपने पिता के कहने पर 15 साल के छोटी सी उम्र में ईशान झारखंड चले गए। उन्होंने धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ी। सबसे पहले उन्होंने सेल के लिए क्रिकेट खेला, फिर अंडर 16 टीम में वे चुन लिए गए। इसके बाद अंडर 19 टीम में भी वे सिलेक्ट हो गए। ईशान का तगड़ा प्रदर्शन, विजय हजारे ट्रॉफी और फिर इन्हें रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट करवा दिया। धीरे धीरे ही सही
ईशान अब दुनिया के नजरों में आ गए थे। ये सभी उनके बड़े भाई, पिता और उनकी माता के सपोर्ट से हो पाया था। ईशान रणजी में दिल्ली के खिलाफ एक पारी में 14 छक्कों की सहायता से 273 रन बनाए, जो किसी भी झारखंड के प्लेयर का हाईएस्ट रन स्कोर था। बांग्लादेश में हुए 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में वे इंडिया टीम के कैप्टन थे। उनके टीम में ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर और आवेश खान भी शामिल थे। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली इंडिया वेस्ट इंडीज के हाथों हार गए, लेकिन सभी ने ईशान के कैप्टेंसी को काफी सराहा। धोनी झारखंड टीम के मेंटर हैं, जिससे ईशान को उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। धोनी की एक बात ईशान को हमेशा याद रहेगी, तुम अटैकिंग बैट्समैन हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कब रुकना है और कब फोड़ना है। 2016 में ईशान का आईपीएल डेब्यू हुआ, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास न रहा। 2018 के ऑक्शन में उनके पिता इतने चिंतित थे कि उनका बीपी हाई हो गया और उनके पिता को हॉस्पिटल में जाना पड़ा, लेकिन उन्हें पता लगा कि मुंबई इंडियंस ने ईशान के अच्छे दामों में खरीद लिया है, तो यह सुनते ही वे ठीक हो गए। आईपीएल 2018 और 19 में उनका प्रदर्शन इतना अच्छा ना रहा, लेकिन 2020 में उन्होंने मुंबई के तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर रहे और 516 रन बनाए। इनके इस परफॉर्मेंस की वजह से 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्होंने टीम इंडिया में डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अपना पहला 50 भी लगाया। 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ उनका ओडीआई डेब्यू हुआ और शानदार रिकॉर्ड की वजह से अक्टूबर 2021 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी उन्हें शामिल कर लिया गया और ईशान एक सफल क्रिकेटर के रूप में गिने जाने लगे। आज ईशान के पास वह सब कुछ है जो एक सफल क्रिकेटर के पास होना चाहिए, यहाँ तक कि उनके पास एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम आदिति हुंडाई है। हम दुआ करते हैं कि ईशान ऐसे ही बेहतरीन प्रदर्शन करते रहें और बिहार के साथ साथ भारत के नाम भी रोशन करते रहें। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा हौसला आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही बढ़ता है।